नमस्कार दोस्तों, सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों में 134A के तहत जो एडमिशन होने थे उसके लिए नया अपडेट है। और इसमें क्या है, 7,000 स्कूलों में से सिर्फ 300 स्कूलों ने पोर्टल पर सहमति दी है कि वो प्राइवेट स्कूलों में जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। और करीब जो है 24,000 सीटें हैं जिन पर बच्चों के दाखिले होने हैं। ठीक है, तो जो मेन डिटेल है यहाँ पे स्कूलों की डिटेल दी गई है, जिन स्कूलों ने जो है ज़िले वाइज जो स्कूलों ने डिटेल दी है वो यहाँ पे दी गई है। ज़िले वाइज यहाँ पे डिटेल है कितने स्कूल हैं, टोटल सीट कितनी है और डिक्लेयर सीट कितनी है। ठीक है, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोसेस है इसमें अपडेट किया गया है, सरकारी से निजी स्कूलों में दाखिले को सरकार ने पोर्टल पर डिटेल मांगी थी। इसमें से करीब 7,000 स्कूलों में से सिर्फ 300 स्कूल ही जो इसके लिए राजी हुए। ठीक है, पूरी न्यूज़ है दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको जो है डिटेल समझ में आएगी। सरकार से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए जो है पोर्टल खोला गया था, 300 स्कूलों ने इस पर सहमति दी है। 23,875 सीटों पर एडमिशन के लिए पोर्टल में डिटेल सबमिट की जानी थी। इसमें सर्वाधिक जो सीटें हैं 2955 सीटें सिर्फ पानीपत से हैं और सबसे कम 312 सीटें रोहतक में हैं। इन स्कूलों ने 99,377 सीटों में से 23,875 सीटों में प्रवेश के लिए जो है हाँ कहा है। और जब स्कूल एडमिशन देंगे तो प्रति शिक्षा विभाग की ओर से जो है इसकी राशि प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूलों को दी जाएगी। तो वो राशि क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी जिलों में स्कूल वाइज जो सीटें हैं वेबसाइट पर दर्शाई जाएंगी, कोई भी बच्चा इनमें दाखिला ले सकता है। दूसरी से पाँचवीं कक्षा तक 700 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से फीस दी जाएगी और जो छठी से आठवीं कक्षा तक है 900 रुपये की फ़ीस दी जाएगी। 9वीं से 12वीं तक 1100 रुपये की फ़ीस जो है सरकार की तरफ से स्कूलों को दी जाएगी प्रति माह। सरकार की जो योजना है, प्रदेश सरकार ने योजना नए सिरे से लागू की है। खास बात यह है कि इसके तहत गरीब बच्चों को दाखिला मिलेगा। इससे पहले 134A के तहत जो दाखिला मिलता था, सरकार ने योजना में गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए स्कूलों की सहमति मांगी थी। यानी कि 23 से 30 अप्रैल तक स्कूलों ने अपनी सहमति देनी थी और जो है 7,000 में से करीब 300 स्कूलों ने यहाँ पे अपनी डिटेल दी है कि हम यहाँ पर एडमिशन देने के लिए रेडी हैं। और बाकी स्कूलों से अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और पिछले साल जो करीब 2019 में जो एडमिशन हुए थे, 2019 में एडमिशन हुए थे, उसके बाद तो इसमें एडमिशन हो ही नहीं पाए थे। पिछले साल भी आपके जो है 2021 में एडमिशन हुए थे लेकिन उनका पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे कुछ उसके आंकड़े दिए गए हैं। और जो इसके ऑनलाइन एडमिशन है उनमें अभी जो है कुछ डिले हो सकता है। अभी जो है मेन डिटेल क्या है, प्रवेश के लिए जो पोर्टल है वो चलना ज़रूरी है। शिक्षक कुलवंत ने कहा है कि ऑनलाइन एडमिशन के आदेश है, इसके लिए पोर्टल चलना आवश्यक है। शनिवार को दोपहर 3 बजे बंद हो गया था पोर्टल और सोमवार को भी जो इसकी जानकारी ये बिल्कुल बंद था। राजकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह क्लेर व अन्य अध्यापक राकेश कुमार के अनुसार पानीपत में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, फैमिली आईडी नहीं होने के कारण जो है आधे से अधिक दाखिले रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो है अप्लाई करने के लिए अभी पोर्टल में और समय लग सकता है दोस्तों। जो 134A के तहत बच्चों के एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा है डिले हो सकता है। ठीक है, अभी जो है प्रोसेस और चलेगा। स्कूलों ने जो है डिटेल यहाँ पे करीब 300 ने दी है जबकि 7,000 स्कूल हैं यहाँ पे, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है पोर्टल दोबारा से ओपन किया जा सकता है और दोबारा से सभी स्कूलों को जो है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी होगी तो आपको जो है समय पर अपडेट की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।